सिंध काबीना में शमूलियत के लिए गवर्नर हाउस को 8 वज़रा की फहरिस्त मौसूल मीर तारिक तालपुर, दोस्त अली रहमू, मखदूम महबूबुज़मान, इकरामुल्ला धारेजो का नाम शामिल है। शाहीना शेर अली, शाहिद थे मोहम्मद अली भी सिंध काबीना का हिस्सा बनेंगे। निसार खोड़ो, इस्माइल राहू, मुकेश कुमार चावला, इम्तियाज़ शेख, इमदाद पताफी अभी तक काबीना से बाहर है। आपको बताएं कि सिंध काबीना में शमूलियत के लिए गवर्नर हाउस को 8 वज़रा की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, 8 वज़रा जो है उनकी फहरिस्त तो मौसूल हो गई है, ये बाकायदा कब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे? जी बिल्कुल, देखें सिंध काबीना में 8 वजीर जो है वो शामिल किए जाएंगे। ये दूसरा फेज था जिसमें दूसरे फेज में सिंध काबीना की जो है वो तौसी की जा रही है, और आज गवर्नर हाउस में तकरीब होगी जिसमें तमाम नए वज़रा जो है वो अपने वो हल्फ उठाएंगे। मीर तारिक तालपुर, दोस्त अली रहमू बतौर वजीर काबीना में शामिल होंगे। इसी तरीके से मखदूम महबूबुज़्ज़मान, इकरामुल्ला धारेजो को बतौर वजीर काबीना में शामिल किया जाएगा। शाहिद तेईम, मोहम्मद अली मल्कानी, इकरामुल्ला धारेजो को भी सिंध काबीना में बतौर वजीर शामिल किया जाएगा, जबकि शाहीना शेर अली भी बतौर वजीर सिंध काबीना में शामिल होंगी। जबकि इसके साथ साथ कई सीनियर जियाले अरकान असेंबली है उनको काबीना में शामिल नहीं किया गया, जिनमें निसार खोड़ो, इस्माइल लाऊ जो है वो काबीना में शमूलियत की रेस से बाहर हो गए। इसी तरीके से साबिक वजीर बरा एक्साइज मुकेश कुमार चावला को भी सिंध काबीना में जगह नहीं मिल सकी, जबकि इम्तियाज शेख, इमदाद पताफी को भी सिंध काबीना में शामिल नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद अशद।